मंडळानं आपल्या समोर एक दर्जेदार जिवंत देखावा सादर केला आहे. आतंकवाद्यांनी केलेला उरी आर्मी कॅम्पवर भ्याड हल्ला, याचा आर्मीनं घेतलेला बदला अर्थात एक सर्जिकल स्ट्राईक. माझ्या देशभक्त नागरिकांनो, असं म्हटलं जातं युद्धस्य कथा रमणीय. अशाच एका सीमित युद्धाची म्हणजेच एका सर्जिकल स्ट्राईकची कथा आपल्या समोर शिवप्रेमी मित्रमंडळ सादर करत आहे. आपल्या शूर सैनिकांनी पाकिस्तानात घुसून दहशतवाद्यांना कंठस्नान घातलं आणि ते सुखरूप भारतात परतले. का करावा लागला सर्जिकल स्ट्राईक हे तुम्हीच प्रत्यक्ष पाहा. चाहे कितनी भी जाने चली जाए हमारी, भारत को निस्तनाबूद करके रहेंगे. कश्मीर हमारा है, हमारा ही रहेगा. वापस लेके रहेंगे, लेके रहेंगे, लेके रहेंगे. इसीलिए अल्लाह ताला ने चुना है आपको, जिहाद के लिए चुना है आपको. जी जनाब, परवरदिगार का जो इस पाप काम को हमारे हाथों अंजाम मिलेगा. हम तैयार हैं जिहाद करने के लिए और हमारे मुल्क के लिए जान कुर्बान करने के लिए हम तैयार हैं. अल जिहाद, अल जिहाद. सारे टेररिस्ट लॉन्च पैड वहां
छुपे हुए फिदाई, उनके हैंडलर्स, उनके गाइड्स सबको खत्म करो। हिंदुस्तान के आज तक के इतिहास में हमने कभी भी किसी दूसरे मुल्क पे पहला बार नहीं किया है, और पाकिस्तान हमारी इसी आदत का शुरुआत से फायदा उठाते आ रहा है। 1947, 65, 71, 99 हमारी सैन्य क्षमता को कमजोरी समझा जा रहा है। यही मौका है उनके दिल में डर बिठाने का, उन्हें विश्वास हो जाना चाहिए कि यह हिंदुस्तान चुप नहीं बैठेगा। ये नया हिंदुस्तान है, ये हिंदुस्तान घर में घुसेगा भी और मारेगा। इसरोच्या सहकार्यानं सॅटेलाइट आतंकवादी तळ शोधून काढले, तसेच कुणालाही शंका येऊ नये म्हणून DRDO नं गरुड पक्षासारखा ड्रोन बनवून आतंकवाद्यांची इत्यंभूत माहिती मिळवली। सर्व जवान भारतात सुखरूप पोहोचले। हा तो आपल्या वीर जवान